लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कटरीना को एक फिल्म के लिए खुद से 27 साल बड़े एक एक्टर को किस करनी थी। कटरीना कैफ की ये बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था बूम। साल 2003 में आई इस फिल्म में कटरीना कैफ को अमिताभ बच्चन जैसे इंडस्ट्री के सुपरस्टार के साथ काम करने के मौका मिला था। जायज है कोई भी इस सुनहरे मौके पर खुश होता, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म के एक सीन की वजह से इस पूरी फिल्म को ही कटरीना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताती हैं। फिल्म में सब सही था, लेकिन एक किसिंग सीन ने पूरा खेल बिगाड़ दिया था। बताया जाता है कि जैसे ही कटरीना को इस बात की खबर मिली कि उन्हें एक सीन के लिए गुलशन ग्रोवर को किस करना है, ये सुनते ही कटरीना के हाथ पैर फूल गए थे। फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज भी थे और इसी के चलते कटरीना गुलशन ग्रोवर को किस करने में असहज महसूस कर रही थी। हालांकि इंडस्ट्री में नया चेहरा होने के नाते उन पर इस सीन को अच्छे से करने का दबाव भी ज्यादा था। ऐसे में कटरीना ने फिल्म के डायरेक्टर से सीन को शूट करने से पहले इसकी प्रैक्टिस करने की इजाजत मांगी। डायरेक्टर ने कटरीना की ये बात मान भी ली। बताया जाता है कि इजाजत मिलने के बाद कटरीना ने खुद को कमरे में 2 घंटे के लिए बंद कर लिया और वो किस की प्रैक्टिस करने लगी थी। अजीब बात ये है कि कटरीना का ये किसिंग सीन गुलशन ग्रोवर के साथ शूट होना था और उन्होंने 2 घंटे कमरे में बंद होकर गुलशन ग्रोवर के साथ ही उस सीन की प्रैक्टिस की थी। फिल्म रिलीज हुई तो कटरीना के इस सीन की काफी आलोचना भी हुई। कटरीना ने इस सीन का कभी जिक्र करके तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जाता है कि वो इस किसिंग सीन को बॉलीवुड में अपनी सबसे पहली और बड़ी गलती मानती हैं।